हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाथरूम की फिटिंग कैसी होनी चाहिए और कितने हाइट पे होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए। सबकी ये क्वेरी रही है कि मतलब कितने हाइट पे हमारा जो है टैब लगने चाहिए, कितने ऊंचाई पे शावर होना चाहिए, कितने ऊंचाई पे वाश बेसिन होना चाहिए, कौन सी पाइप हमको यूज करना चाहिए, ठीक है। और वेस्टर्न सीट किधर लगनी चाहिए, यदि इंडियन सीट है किधर लगनी चाहिए, तो वही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप एक लुक ले लीजिए, देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन एक बाथरूम में है हम लोग, जिसकी बाथरूम की मतलब फिटिंग हो चुकी है पाइप की और बाकी काम होना है। ये बेहतर समय था आपको दिखाने के लिए कि कैसे क्या करना है। तो एक बार देख लीजिए बाथरूम का लुक, देख लीजिए 8x8 का बाथरूम है। ये देखिए ऊपर से सप्लाई आएगी, टंकी का पानी है, ऊपर टंकी रहेगा, टंकी का पानी आएगा। देखिए वहाँ पे वो गीजर का पॉइंट है, वो शावर का पॉइंट है, टंकी का आएगा, और यहाँ से देखिए इनलेट है, वहाँ से जो है वो सप्लाई का पानी आएगा, सप्लाई या बोर्ड जो भी होगा वहाँ से पानी आएगा। आप सोच रहे होंगे वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट किया, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे कटेगी दीवार, क्योंकि जो वो सीवर वाला पाइप जाएगा, वो लैट्रिन की सीट वाला फर्स्ट फ्लोर के लिए, वो अंडरग्राउंड जाएगा, मतलब दीवार के अंदर ही होके जाएगा। गलती हो गई थी कि उस टाइम उन्होंने नहीं कराया था, अब थोड़ी सा यहाँ पे काट छाट करना पड़ेगा, इस वजह से इतना घुमा के लाया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन चीज़ कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैप को देखेंगे। यहाँ पे देखिए डाइवर्टर नहीं है, डाइवर्टर के लिए की जगह वाल मिक्सर का फिटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए। ये फ्लोर है, यहाँ पे देखिए बीम पड़ी है, वहीं से लगभग हम ऊंचाई मापेंगे, ठीक। तो देखते हाँ, तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे फ्लोर है, बीम के ऊपर से ही लगभग है, और ये देखिए 3 फीट पे इसकी देखिए फिटिंग की गई है। ये वाल मिक्सर का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों एक ही लेवल पे हैं। और ये 12 लेवल से ज़रूर चेक कर लीजिए, और मिक्सर जो इस भी कंपनी का मिक्सर लगाइए उसको लेके एक बार चेक कर लीजिए कि सही से फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 3 फीट पे है, थोड़ी हल्का सा नीचे ऐसा है, ये 3 फीट पे ये आपका पॉइंट बना हुआ है। हमेशा दाएं हाथ पे आपको टंकी का वो करना है, मतलब कोल्ड वाटर, और बाएं साइड पे गीजर का, क्योंकि ज़्यादातर यूज होता है दाएं हाथ का होता है। और ये आपका देखिए एल बेंड के लिए है, ये कोल्ड हो गया, ये हॉट हो गया, और ये क्या कहते हैं आपका सावर के लिए एल बेंड जो रहता है मिक्सर में, वो यहाँ पर सेट होगा, ये पूरा फिर वहाँ पर सावर तक सप्लाई जाएगी। और ये देखिए जो हॉट वाटर का है, हॉट वाटर का ये यहाँ से ऐसे ऐसे गया है, और ये देखिए यहाँ पे गीजर का पॉइंट रहेगा, इनलेट आउटलेट, और ये गीजर की पावर सप्लाई यहाँ से, इसका स्विच जो है वो बाहर से रहेगा, ठीक है। ये हो गया, अब हम देख लेते हैं एक और यहाँ पे आपको नल दिख रहा होगा, ये मतलब सप्लाई के पानी की है, या फिर जो ताज़ा पानी होगा फ्रेश वाटर उसके लिए है। और ये देख रहे होंगे इसकी फिटिंग वह से आई है। तो जहाँ पे भी आप खेती मान लीजिए 3 लन हो या 4 लन हो, भले ही वो मिक्सर हो डाइवर्टर हो, सब एक ही ऊंचाई पे हो और डिस्टेंस भी सभी के बराबर हो, इस बात का ध्यान रखिए, तभी सुंदरता आती है। और ऊपर देख रहे होंगे कि जो पॉइंट बना हुआ है गीजर का और सावर का थोड़ी ऊपर नीचे है, तो देखिए जब तीनों चीज़ या कई चीज़ जब होती हैं, यदि एक ही चीज़ की हैं, यदि तीनों नल ही हैं या तीनों गीजर के पॉइंट ही हैं या तीनों सावर ही हैं, तब तो एक लाइन में रहता है तो अच्छा लगता है। इस तरह से गीजर का है और सावर का यदि अलग अलग है, तो उसको थोड़ी साल के ऊंचाई पर कर दीजिए तो सो अच्छा आता है। नहीं तो तीनों ही बराबर पे होते हैं, गीजर के पॉइंट भी और सावर भी, तो थोड़ी कम वो लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पर गीजर का थोड़ी नीचे कर दिया गया है, उस सावर के ऊपर गीजर वहाँ पर सेट हो जाएगा, के लेट आउटलेट यहाँ पे लग जाएंगे अंकल वालों से, वहाँ पे सावर हो जाएगा। अब देखते हैं सावर कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड देख रहे होंगे, ये देखिए फ्लोर है, फ्लोर से लगभग 7 फीट 4 इंच के लगभग है, फ्लोर से 7 फीट 4 इंच के लगभग क्या कहते हैं हाइट है सावर की, वो देख रहे होंगे। थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि लंबे लोगों के लिए भी है, इसलिए फिर भी 7 फीट के आसपास ही होना चाहिए। 7 फीट से थोड़ी कम है तब भी चलेगा, 7 फीट से हल्का ज़्यादा है तब भी चलेगा,
लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, ना 6 होना चाहिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको उचित लगे, लेकिन 7 फिट सही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो वेंटिलेशन का वो दिख रहा होगा, तो एक वो तो रोशनदान हो गया और एक में आपका वो एग्जॉस्ट फिट हो जाएगा। इस तरह का बनवाइएगा सही रहता है, आराम से। एक में आपका रोशनदान लग गया, एक में ग्रिल बस लगी है यहाँ पीछे बाहर से, जो हैवेल्स हैवेल्स के या फिर प्लास्टिक वाले आते हैं, मस्त लग जाएगा, अच्छा शो भी होगा, ठीक है। ये आपका सावर का हो गया और वाल मिक्सर का हो गया। अब हम देख लेते हैं वाश बेसिन का। ये देखिए यहाँ से आया हुआ है, यहाँ से घर के अंदर चली गई, ये बाहर का बाथरूम है, तो यहाँ से घर के अंदर के लिए, किचन के लिए और क्या कहते हैं बाथरूम के लिए, अंदर वाले बाथरूम के लिए यहाँ से सप्लाई चली गई है। और ये आपका वाश बेसिन के लिए, यहाँ पे मिक्सर नहीं लगेगा, केवल कोल्ड वाटर का रहेगा बाथरूम के अंदर वाला। यहाँ पे तो वाश बेसिन लग जाएगा छोटा सा, और यहाँ से इसका वो आ जाएगा बॉटल ट्रैप के लिए, अंदर से पाइप आ जाएगी सीवर वाली, तो यहाँ पर लग जाएगा। इसकी हट जो होती है लगभग 3 फिट में होना चाहिए आपका वाश बेसिन, लगभग यहाँ पे यहाँ पास पड़ेगा 3 फिट उसका टॉप होना चाहिए। और एंगल वाला तो कहीं भी दे दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है, उस लाइन पे दे दीजिए। हम देखते हैं ये सैनिटरी वाला सेक्शन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको फिटिंग दिख रही होंगी, तो यहाँ पे WC भी लगना है और ओडिशा पान भी लगना है, ठीक है। इधर ओडिशा पान रहेगा और इधर WC रहेगा, तो WC वाला हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर सप्लाई आई है, यहाँ पे देखिए दो आपको एंगल वालों के लिए वो दिख रहा होगा, जबकि आपको पता होगा कि AWC में 2 वे एंगल वाल्व लगता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया है कि या फिर आप 2 वे एंगल वाल्व लगा दीजिए एक में, या फिर तो और एक में वो बेबी कॉक लगा दीजिए, छोटा वाला जो नल आता है, लॉन्ग बॉडी वाला नहीं, ठीक है। लॉन्ग बॉडी वाला तो बाथरूम में लगता है, यहाँ के लिए वो छोटा वाला आता है जिसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है। या फिर अलग अलग एंगल वाल्व लगा दीजिए, एक जेट स्प्रे के लिए, एक क्या कहते हैं हैंड के लिए, हिपो सेट के लिए, या फिर एक में 2 वे एंगल लगा के दोनों कनेक्शन दे दीजिए और एक में ना लगा दीजिए, ऐसा भी आपको अच्छे से समझे ऐसा कर लीजिए। और ये आपका जो फ्लश टैंक होता है WC का, उसके लिए है, यहाँ पे जो लगेगा वो 1 पीस वाला लगेगा। और ये जो हाइट है लगभग 30 इंची है दीवार से, देख रहा हूँ ये टैप की लगभग जो क्या कहते हैं जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो टैप की दूरी है दीवार से, वो दीवार से लगभग 32-32 इंची है। पहला वाला जो है एंगल वाल वो 28-28 इंच पे है, फिर 32 इंच पे है, ठीक है। उधर अभी 1.5-2 इंच टाइल्स ऑफ प्लास्टर में चला जाएगा, तो 30 इंची के करीब आएगा। और सही है, जो यहाँ पे WC लगना है वो 1 पीस का है, तो उसकी जो होगी जो लेंथ होगी वो 28-28 इंच होगी, और फिर ठीक तो उस हिसाब से सही है। और जो उसका वो फाउंडेशन बनेगा वो कम से कम यहाँ तक तो बनना ही चाहिए, 32-32 इंच तक, ठीक है, तो वो सही है। और हाइट इसकी आप 18 इंच है लगभग, बीम से देख लीजिए, ये आपकी बीम है, ये देखिए 18 इंच पे है, सफिशियंट है। यहाँ से वो फ्लश टैंक के लिए हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गई, एक पाइप हो गई है क्योंकि वो इनलेट है मतलब फ्रेश वाटर का टंकी, यहाँ से टंकी का पानी आएगा बाहर से, और ये टंकी का बनी है, ठीक है। ये भी 18 इंच का ही है, और इसका पैन के पीछे जो फ्लश टैंक लगेगा, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर नल लगेगा, ये भी इसकी जो हाइट होगी लगभग 22 इंची पे है, लगभग जो है इसकी हाइट 22 इंची पे है, सही है, क्योंकि जो ओडिशा पैन का जो थोड़ी सा प्लेटफॉर्म बनेगा वो कम से कम 6 इंची तो ऊंचा बनेगा, इनसे लगभग इतने पे बनेगा, तो इतनी हाइट सही है आपका वो रखने के लिए, बाल्टी या फिर पंखा जो भी रखेंगे, उतनी हाइट सही है, क्योंकि 6 इंची के लगभग तो उसका फाउंडेशन हो जाता है बीम के ऊपर तक, तो जितना भी नीचे करिए थोड़ी बहुत ऊपर रहता ही है, फिर इतना नल सही है। हाँ तो फ्रेंड देख रहा हूँ दीवार से इसकी जो दूरी है वो मतलब टैप की जो पीछे वाली दीवार है उससे 31-31 इंच के लगभग है, 31 इंच के लगभग इसकी दूरी है दीवार से, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सही है। क्योंकि देखिए वो
यहाँ पे जो है तीन प्रकार की ओरिसा पेन होती है, एक तो 22 इंची की, एक तो 24 इंची की और एक तो 20 इंची की। तो यहाँ 22 इंची वाली लगनी है और पीछे वाली 6 इंची की जगह आप छोड़ेंगे 22 से 28 हो जाएगा, एक दो इंची प्लास्टर पे चला जाएगा तो एकदम ये सही जगह पे आएगा 30 इंची पे, ठीक है। और मान लीजिए 32 यहाँ तक जो है, जहाँ तक चिन्ह लगा है वहाँ तक इसका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लुक रहेगा और सही रहेगा। तो इस हिसाब से ये भी कर सकते हैं। और हाँ, ये जब ये बाथरूम एकदम कम्प्लीट हो जाएगा तब भी हम आपको इसका वीडियो दिखा के डाल के बता देंगे कैसी लुक आ रही है फिनिशिंग की, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम लोग बाथरूम के बाहर आ गए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे दो कनेक्शन, एक फ्रेश वाटर का है और एक टंकी वाले वाटर का है। तो यहाँ पे वाल मिक्सचर क्या जो ब्रास बेसिन मिक्सर होता है वो लगेगा, और यहाँ पे कंसील्ड लगा गया है। कंसील्ड क्या कि यहाँ पे एक आउटलेट दिया गया, मतलब जैसे ये गैलरी है इसको धोना हो तो यहाँ पे पाइप लगा के आप कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, इसलिए कंसील्ड दे दिया गया है, अब वो कर दिया गया जब से लुक भी ख़राब नहीं लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वो पेडेस्टल वाला लगेगा, जो वास्तव में पेडेस्टल वाला होता है वो लग जाएगा और पेडेस्टल के अंदर ही छिप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि, इसलिए एक ही लाइन में है। ये गर्म पानी, ये क्या कहते हैं कोल्ड वाटर का हो गया, नहीं ये टंकी वाले पानी का है और ये फ्रेश वाटर का है। जब ये पूरा लुक जाएगा, जब पूरी इसकी फिनिशिंग हो जाएगी तब भी हम वीडियो डाल के आपको बता देंगे कैसा फिनिश लुक आता है। तो लेकिन पेडेस्टल वाले में एक बात ध्यान रखना है कि जो एंगल वाल का वो करना है और कनेक्शन पाइप जो भी रहनी है वो पेडेस्टल के अंदर ही रहेगी, यानी कि एक इधर से दे दी एक उधर से दे दी, वो बहुत अजीब लगता है और अच्छा भी नहीं आता। पेडेस्टल का मतलब ये है कि सब कुछ उसके अंदर छिप जाए, तो इसी प्रकार से आपको चिपकाना है। और यहाँ पे देखिए कंसील लगा के ये दे दिया गया, ठीक। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।